अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन टू हाइड योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज इंक्रिप्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इसमें लिखा हुआ है सिंपल इंक्रिप्शन। इसमें यहाँ राइट साइड पे इसका जो डायग्राम भी बनाया गया है, इस पे हम ब्रीफली इस पर डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि ये इनक्रिप्शन होता है क्या। तो सबसे पहले हम अपने यानी कि टॉपिक को देखते हैं, सिंपल इनक्रिप्शन क्या है। तो इसमें यह है, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच ए वे दैट ओनली ऑथराइज पर्सन कैन रीड इट। तो इनक्रिप्शन क्या है, आपका डाटा या इन्फॉर्मेशन उसको इस तरीके से इनकोडेड कर दिया जाए ताकि आपको सिर्फ ओनली ऑथराइज पर्सन जो है वो उसको रीड कर सके, वो यानी कि हैकर टाइप उसको कहीं से चुरा ना सके। और इसके बाद इनकोडिंग मीन्स कन्वर्शन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। तो यानी कि कन्वर्जन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि डाटा को या इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो पढ़ने के काबिल ना हो। तो उसको कहते हैं विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, जिसको हम इनकोडिंग कर देते हैं उस डाटे को, उसको दिस इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड डाटा एज शोन फिगर इन दिस। अ की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। तो यहां हम डायग्राम की तरफ आते हैं। ये आपका एक प्लेन टेक्स्ट है जो कि एक सेंडर कंप्यूटर जो है वो भिजवा रहा है किसको, ये रिसीवर है कंप्यूटर और ये जो है दूसरा जो है वो सेंडर है। ये सेंडर इसको डाटा भिजवा रहा है। तो क्या कर रहा है कि यह जब भिजवा रहा है तो इसको इसके ऊपर इनक्रिप्शन कर देता है, इस डाटे को जो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होता है इसको की लगाकर इनक्रिप्ट कर देता है। तो इनक्रिप्शन हो गया और ये जो डाटा है साइफर टेक्स्ट बन गया जब इस पे ये की लग गई। तो इसको यहां जब ये पहुंचता है तो इसको वही की जो है डीकोड, ये इनकोडिंग है और यहां आके उसको डीकोड के करके जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो उसको पढ़ सकते हैं। तो सेम जो है यहां प्लेन टेक्स्ट था, इनकोडिंग की ये साइफर टेक्स्ट बन गया, इसको फिर ये डीकोड किया और फिर ये प्लेन टेक्स्ट बन गया। इस तरह आपका डाटा जो है हैकिंग होने से, थेफ्ट होने से बच जाएगा। और दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंक्रिप्शन। जिस तरह इसमें लिखा है, इन एंशियंट टाइम्स व्हेन मैसेज वर कैरिड आउट बाय फुट फॉर माइल्स, किंग्स एंड रूलर्स यूज्ड टू इंक्रिप्ट द लेटर्स दे वुड सेंड टू अलाइज। कहते हैं कि जिस तरह ये पुराने वक्तों में जो बादशाह या रूलर थे वो अपना खुफिया पैगाम अपने जो अलाइज दोस्त थे उन यानी बादशाहों को पहुंचाने के लिए इनक्रिप्शन का किया था। यही प्रोसीजर जो है खुफिया कोडेड वर्ड्स में उनको अपना जो है पैगाम बन जाते थे। दिस हेल्प द प्रोटेक्ट द सीक्रेसी ऑफ द मैसेज इन केस दे वर स्टोलन। इन यानी कि अगर वो जो उसके जासूस टाइप होते थे, अगर वो उनको पकड़े भी जाते थे लेकिन वो उनके ऊपर इस किस्म का जो मैसेज और इनक्रिप्टेड मैसेज था वो जाहिर नहीं होता था। तो ये यानी कि इनक्रिप्शन पुराने वक्तों से चली आ रही है। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु कैन स्टील डाटा, वो लोग जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं वो डाटा जो चुराते हैं व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जब मूव होता है डाटा तो उसको क्या कहते हैं, दीज पर्सन्स आर नोन एज हैकर्स। इनक्रिप्शन हेल्प्स अस टू सेव डाटा फ्रॉम दीज हैकर्स। तो जो हम इनक्रिप्शन करते हैं तो इस किस्म के हैकर लोगों से डेटा को महफूज किया जा सकता है। यह है इनक्रिप्शन का असल पर्पस। तो इसमें ये एक्टिविटी एक दी गई है 4.1, कहते हैं यू कैन डिवाइस अ टेक्निक टू इनक्रिप्ट अ टेक्स्ट लाइक यू कैन राइट अ लेटर टू ईच वर्ड्स ऑफ ईच वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि उल्टे कदम में लिखना। फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट आई लाइक माई स्कूल, आई लाइक माई स्कूल को बिकम एन आई यानी कि इस फॉर्मेट में चला जाएगा इनकोडेड में। अनदर वे इज टू पुट नेक्स्ट लेटर इन प्लेस ईच लेटर दैट इज ए बिकम्स बी और बी कम्स बिकम सी एंड सी बिकम्स जी एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं. सो इन दिस वे आई लाइक माई स्कूल बिकम्स दिस फॉर्मेट यूजिंग योर ओन टेक्निक्स इनक्रिप्शन द नेम्स ऑफ द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड द कीज टू योर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई दीज नेम्स. ये इस किस्म की यानी कि एक्टिविटी वन है, ये एक्टिविटी टू है. एक्टिविटी टू में जिस तरह वो कह रहे थे कि एक स्क्रिप्ट है मिरर ले, और उसको जब आगे करेंगे तो ये रिवर्स उल्ट ऑर्डर में वो जो है उसका रिलीज होगा, रिवर्स ऑर्डर में. तो ये इस किस्म की एक्टिविटी टू है. तो हम आगे जो है इसका जो असल है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है कि हम किस तरीके से इसका डेटा जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट. तो इंक्रिप्शन की जो है इम्पोर्टेंस क्या है आज के रोजमर्रा मामूलात में, तो इसके तीन आगे तरीके हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम साथ पढ़ते हैं. तो सबसे पहले, इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी. आपके डाटा को महफूज करने के लिए जो इंक्रिप्शन है, डाटा को इंक्रिप्ट करना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है. इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस. आजकल हर शख्स का कहीं नादरा में, कहीं शिनाख्त कार्ड में, कहीं पासपोर्ट ऑफिस में, हर कहीं आपका बिजली से रिलेटेड आपने को मीटर अप्लाई किया होता है, हर जगह आपका डाटा जो है पड़ा हुआ है. और उसको कैसे यानी कि महफूज करना है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट. तो ये इस जरूरी है, जितने भी लोगों का डाटा है उसको, ये उनके पास हमारा डाटा इमानत होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन इंस्टीट्यूशन के पास, तो उनको कैसे महफूज करना है ये उनकी जिम्मेदारी है. इंक्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू इंश्योर सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस. तो इंक्रिप्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इलीगल एक्सेस जो हैकर टाइप लोग जो इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये महफूज रहता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब्स इन द फॉलोइंग थ्री पॉइंट्स. तो यानी कि इंक्रिप्शन की इम्पॉर्टेंस है जो वो कहते हैं, वो इन तीन पॉइंट्स पे उस पर डिस्कस की जा सकती है. नंबर वन है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, कि आपका जो डाटा है, इम्पोर्टेंट डाटा या इंफॉर्मेशन जो है, वो उसकी हैकर से आप जो है उनको महफूज कर सकते हैं जो आपका डाटा चोरी करते हैं. तो हैकर्स डू नॉट जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन, हैकर जो है जस्ट ना सिर्फ आपके डाटा या इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं, बल्कि दे कैन ऑल्सो ऑल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड, कि वो जो आपका डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको चेंज भी कर सकते हैं फ्रॉड वगैरह करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन द बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर दे कैन फ्रॉड बाई चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर्स. तो क्या कह रहे हैं कि जो है ट्रांजेक्शन जो आप ऑनलाइन करते हैं एक बैंक से दूसरी बैंक में, तो वो क्या करते हैं, जो वो टारगेट चेंज कर देते हैं आपके जो अकाउंट नंबर की चेंजिंग करके, जो पैसा जो है आप एक आपके अकाउंट में जाना है वो उसके अकाउंट में चला जाएगा. तो इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं यानी कि ये हैकिंग के जरिए. दूसरा है इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, जो आपका जो डाटा है या आपकी प्राइवेसी है इंक्रिप्शन के जरिए जो है वो महफूज हो सकती है. इंक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा. तो इंक्रिप्शन किसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि आपका जो इंफॉर्मेशन, ये सिक्योर डाटा होता है, सीक्रेट डाटा है, उसको महफूज करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो आपकी जाती इंफॉर्मेशन होती है फॉर इंडिविजुअल. दिस हेल्प्स टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सर्विलेंस ऑफ द क्रिम बाय द क्रिमिनल्स. तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को, जो सिक्योरिटी है उसको मैक्सिमम कर सकते हैं, और जो हैकर टाइप होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, उनको कम से कम जो मौका मिलता है कि यानी कि आपके डेटा को चुराने का. नेक्स्ट इसका है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा अक्रॉस डिवाइसेस. तो इंक्रिप्शन के जरिए जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का डेटा जो है मूव करने में, ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपका महफूज रहता है. तो ये इनका यानी कि इंक्रिप्शन के इतने ज्यादा फायदे. मल्टीपल एंड मोबाइल डिवाइसेस, आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास मोबाइल भी है,
और इसके अलावा पॉम्पटैप भी है, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जिसके थ्री आप अपना कम्युनिकेशन करते हैं, आप कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ जो इस पे मेलें भिजवाते हैं। तो कहते हैं एक आदमी के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं इससे रिलेटेड, एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अ डिवाइस इज रिस्की प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये एक रिस्की यानी कि तरीकाकार है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अगर आपने डाटा को इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ। तो इनक्रिप्शन क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर सकती है स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। तो तमाम डिवाइसेस का डाटा जो है वो जो है इनक्रिप्शन के जरिए आप महफूज कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर। ड्यूरिंग ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब डाटा ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो इनक्रिप्शन के जरिए हम इसको महफूज कर सकते हैं। एडिशनली सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प्स डेटर अनऑथराइज डाटा। डेटर होता है किस चीज को महफूज कर देना, यानी कि वो उसमें एक सदेबा बन जाना, रुकावट बन जाना। तो कहते हैं इस तरह की ऑथेंटिकेशन मांगकर जो अनऑथराइज यूजर है उसको वो यानी कि महफूज कर लेता है उन लोगों से, या उस जो खतरा है उससे यानी कि इसको महफूज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज का हमारा टॉपिक इनक्रिप्शन से रिलेटेड, और इसके कितनी किस्म की हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आजकल के दिन में। तो इस यानी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।